subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. दीपा पंडित साहब के लिए जो समर्थन हो रहा है वो सिर्फ प्रकल ग्रस्तों का नहीं है, सभी कम्युनिटीज़ के लोग जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर भी यही प्रतीक हो रहा है, खारगर से जो आए हैं उनके समर्थन में मशाल रैली की। इसमें ये बताइए कि जिस तरह से बात होती है कि दीपा पंडित साहब के लिए सिर्फ प्रकल ग्रस्त ही नहीं, सभी समाज के लोग एक हो रहे हैं, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं और आप क्यों आए हैं? मेरा नाम ब्रजेश पटेल है, मैं खारगर से आया हूँ। अभी जो विषय चल रहा है, जो लड़ चल रही है कि नवी मुंबई विमानतल का नाम दीपा पटेल होना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ दीपा पटेल साहब ही नाम होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि मैं देख रहा हूँ नवी मुंबई पूरा जो डेवलप हुआ है इसके पीछे जो यहाँ के प्रकल्पग्रस्त है, जो खेडूतों ने भूमि पुत्रों ने जो त्याग किया है, वो त्याग के मेन जो सूत्रधार थे दीपा पटेल साहब, उनके लड़त के कारण ही ये सभी को अपने को नवी मुंबई का विकास हुआ है। पूरे भारत देश में मैंने एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा है कि जहाँ जमीन गया और उसके सामने आपको 1.5 बटा का जमीन मिला हो। ये पहला ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ किसी गांव को स्थानांतरित होना नहीं पड़ा है। इसके लिए सबसे अगर बड़ा अगर श्रेय है तो दीपा पटेल साहब का ही है। दीपा पटेल के कारण आज जहाँ ब्रह्मपुत्र को जमीन मिला, वो जमीन को हम जो बाहर से आए लोग हैं डेवलपर, हमने डेवलप किया और उसी का सभी डेवलपर जो बाहर से उनको फ़ायदा मिला है। तो हम भी चाहते हैं कि नवी मुंबई विमानतल का नाम दीपा पाटिल ही होना चाहिए। वो हमारी अस्मिता का विषय है, वो हमारे गौरव का विषय है, किसी के विरोध का विषय नहीं है। तो मैं विनती करता हूँ यहाँ की सरकार को कि आप गलती मत कीजिए, दूसरा नाम देके यहाँ हमारे दीपा पाटिल साहब का नाम का अपमान मत कीजिए, और फिर से आपको जो विषय लिया है उसमें आप थोड़ा परिवर्तन करके दीपा पाटिल का नाम देके सभी को आप सम्मानित कीजिए। जैसे इन्होंने कहा कि दीपा पाटिल साहब ने जो सैक्रिफाइस किया, जो आंदोलन किया, उसका आज भी सभी को फ़ायदा हो रहा है, जिस तरह से नवी मुंबई डेवलप हुई है, तो क्या लगता है कि इसी की वजह से सब और खींचे आ रहे हैं? मी खारगर हूँ, आलो है, माझं नाव नरेश गणपत ठाकूर, मी पनवेल महानगरमधून नगरसेवक म्हणून आहे। आज इथे आपण 9 ऑगस्ट क्रांती दिन आहे आणि या क्रांती दिनानिमित्त आज आमच्या इथले पनवेल तालुक्याच्या नेतृत्वाखाली दीपा पाटील साहेबांचं नाव येणारे विमानतळाला देण्यासाठी आम्ही इथे आज मशाल क्रांती काढण्यात आलेली आहे। आणि ही मशाल क्रांती काढण्याचं हेच कारण आहे की येणाऱ्या विमानतळाला जो दुसऱ्या ज्या येणाऱ्या आत्ताच्या ज्या सत्ताधारी सरकारने जे समोर जो नाव दिलेलं आहे बाळासाहेब ठाकरे साहेबांचं, आम्हाला बाळासाहेब ठाकरे साहेबांच्या नावाला काही विरोध नाही आहे। मग आम्हाला त्यांना सांगायचं आहे की इथे ज्या भूमिपुत्रांसाठी या प्रकल्पग्रस्तांसाठी आमचे नेते दीपा पटेल साहेबांनी जे काही कार्य केलेलं आहे त्या एवढं प्रचंड चांगलं कार्य आहे की त्या कार्यासमोर बरेच ज्या लोकांनी जे कार्य केलेलं आहे त्यांच्यामध्ये खूप मोठं त्यांनी योगदान दिलं आहे आणि त्यांचा हा त्याग आहे आणि त्यागाचा त्याग आणि ते त्यांनी दिलेलं ते योगदान त्याच्यामुळेच आमच्या इथले आमचे नेतृत्व आमचे नेते लोकनेते दीपा पटेल साहेबांचंच नाव येणारं विमानतळाला दिलं तर चांगलं होईल। आणि खरंच एक सन्मानाची गोष्ट आहे की दीपा पटेल साहेबांचं नाव आलं तर इथल्या सर्व लोकांना चांगलं आणि चांगलंच खुशी होणार। आणि सगळे समाजाचे लोक इकडे आले, तुमच्या सोबत पण आले? हां, सर्व समाजाचे लोक इथे आलेले आहेत, इथे कुठलाही भेदभाव ठेवलेला नाही आहे, सगळ्यांनी एकत्र येऊन दीपा पटेलांच्या नावाला समर्थन दिलेलं आहे। थँक्यू, धन्यवाद। तो जिस तरह से देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ के प्रगल्भग्रस्त ही नहीं, बाकी समाज के लोग भी आ रहे हैं, नगर सेवक आ रहे हैं, तो ये पूरी तरह से देखा जाएगा कि दीपा पटेल साहब के नाम के लिए बहुत ही दृढ़ निश्चय कि यहाँ पर दिखाई दे जा रहा है। जैसा इस उरन से आवाज़ टुडे के लिए वीडियो जर्नलिस्ट समीर खान के साथ मोहिउद्दीन जेडी, आवाज़ टुडे। सब्सक्राइब टू आवाज़ टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।